कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण रोजाना देखने को मिल रहे हैं। मानसून का यह सत्र देश की राजधानी में अगर आपको बता दे तो काला अध्याय के उदाहरण के तौर पर है। राजनीति की हवस कितनी होती है ये शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाया है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि पैसों का लेन देन करके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हर मंत्री के यहाँ दलाल नियुक्त हो रहे हैं। 450 से ज्यादा ट्रांसफर, 300 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। साथ ही ये भी कहा कि कमलनाथ ने सत्र बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं था सुनने को, कुछ नहीं था। जो आरोप प्रत्यारोप उन पे लगाए जा रहे थे तथ्यों और तर्कों से, 3 दिन का 4 दिन का उन्होंने विधानसभा सत्र आहूत किया। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि सत्र लंबा किया जाए, सरकार ने एक नहीं सुनी। फिर इतिहास मानसून के लोकतांत्रिक मानसून सत्र में लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है कि श्रद्धांजलि के बाद 1.5 घंटे सत्र चला, विधानसभा चली सिर्फ 1.5 घंटे। ये अपने आप में बताता है कि ये चोरी की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, दलालों की सरकार, ये सामना विपक्ष का नहीं कर सकती है। मैं मानता हूं 130 मिनट के इस सत्र में, एक घंटे 30 मिनट के इस सत्र में चर्चा होनी थी आदिवासियों पर, नेमावर हत्याकांड पर, 125 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई उस पर, कोविड की हत्याओं पर, 5 लाख से ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में एक वर्ष में दोनों लहर में हो गई पोस्ट कोविड के बाद भी, ऑक्सीजन की किल्लत पर, हॉस्पिटलों की लूट पर। रोजाना लोकतंत्र की हत्या हो रही है ये जीतू पटवारी की तरफ से कहा गया है। पैसों के लेन देन करके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रदेश में सत्र बढ़ाने को लेकर कमलनाथ ने पत्र लिखा था सीएम शिवराज को लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सत्र को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से हंगामा हुआ सत्र को लेकर, कल भी जो भोपाल से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। यूथ कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि सीएम आवास का घेराव करेंगे। हालांकि यूथ कांग्रेस को रोकने के लिए, उस भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को बैरिकेडिंग तक वहाँ पर लगानी पड़ी थी ताकि उन लोगों को रोका जा सके, लेकिन कांग्रेस का आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने कई बड़े आरोप सरकार पर इस बार लगा दिए हैं कि लोकतंत्र की हत्या हर रोज हो रही है। मध्य प्रदेश में रोजाना लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण सामने आ रहे हैं। मानसून का ये सत्र देश की राजधानी में जिस तरीके से देखने को मिला वैसा ही प्रदेश में देखने को मिला है, क्योंकि राजनीति में काले अध्याय के तौर पर एक उदाहरण पेश किया गया है।